क्या सेप्टोप्लास्टी से एम्प्टी सिंड्रोम होता है? यस दोस्तों, बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीजिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड मेरे फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करना ना भूले। आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, बहुत बार पेशेंट आता है, हम उसको सर्जरी बताते हैं या किसी ने सर्जरी एडवाइज किया है या मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, सर क्या सेप्टोप्लास्टी से एम्प्टी नोज सिंड्रोम हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी चीज़ को समझना है। सबसे पहले ये देखो, सेप्टोप्लास्टी का इंडिकेशन क्या है। जैसे सेप्टोप्लास्टी यूजुअली की जाती है जब हमारा डीएनएस होता है। डीएनएस मतलब कि हमारे नाक के बीच की हड्डी जो गोड ने बनाई है, पार्टीशन जो है वो मिड लाइन में नहीं होके एक तरफ है एंड उसके कारण हमारा नेजल ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर ने हमें डीएनएस की सर्जरी बताई है जिसको हम एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। बहुत बार आर्मी एस्पिरेंट के लिए भी ये जरूरत होती है क्योंकि उनको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं सेप्टोप्लास्टी करा लूंगा, मेरे को एम्प्टी नोज सिंड्रोम नहीं हो जाए? दोस्तों, एम्प्टी नोज सिंड्रोम का मतलब होता है, सेप्टोप्लास्टी से कभी भी एम्प्टी नोज सिंड्रोम नहीं होता। एम्प्टी नोज सिंड्रोम होता है हमारे सेप्टम के दोनों तरफ क्या है, टर्बिनेट होते हैं, इनफीर टर्बिनेट होते हैं, मिडिल टर्बिनेट होता है, इनफीर टर्बिनेट होता है, सुपीरियर टर्बिनेट होता है, लेकिन जो क्लिनिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्बिनेट होते हैं वो होते हैं इनफीर टर्बिनेट। सो दोस्तों, जो इनफीर टर्बिनेट होता है वो हमारा जो हमारी एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी देता है एंड हमारा जो अंदर नेजल कैविटी में जो एरिया होता है उसको फिल अप करता है। सो किसी कारण से किसी पेशेंट्स का अगर इनफीरियर टर्बिनेट हटा दिया तो उसको एम्प्टी नोज सिंड्रोम हो सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या सर सभी को एम्प्टी नोज सिंड्रोम हो जाता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिस पेशेंट का इनफीरियर टर्बिनेट इतना सीवियर हाइपरट्रॉफिक हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसको क्या है, एयरवे में जो है वो ब्रीदिंग लेना बड़ा डिफिकल्ट है, अगर उसको हम टर्बिनेक्टोमी करते भी हैं तो ऐसा सबको नहीं होता। कुछ पेशेंट्स को कई बार क्या है, नोज के अंदर जो है पूरा खाली है फिर भी उसको लगता है मेरी ब्रीदिंग नहीं हो रहा, ये होता है एम्प्टी नोज सिंड्रोम। सो सेप्टोप्लास्टी से कभी भी एम्प्टी नोज सिंड्रोम नहीं होता। टर्बिनेक्टोमी कर देते हैं वो भी सब पेशेंट में नहीं होता, कुछ पेशेंट्स को फीलिंग होता है। इसलिए हमें ये दिमाग से सवाल निकाल देना है कि जो है सेप्टोप्लास्टी से एम्प्टी नोज सिंड्रोम हो सकता है। सो दोस्तों, देखा कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। आई थिंक यू कैन शेयर एंड टू योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स रिगार्डिंग दिस एम्प्टी नोज सिंड्रोम। सो जिससे दिमाग में उनके एक जो मिथ बैठा हुआ है वो क्लियर है एंड आज ही वो अपने डीएनएस की प्रॉब्लम के लिए एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराएं। यस दोस्तों, थैंक यू। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow.